शिव आप वचन दीजिए, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? वचन की क्या आवश्यकता है सदी? प्रेम और कर्तव्य से बड़ा भी कोई वचन होता है क्या जो मैं दे चुका हूं? इस ब्रह्मांड में शिव का सबसे बड़ा शत्रु कोई है, वो है प्रजापति दक्ष। सती, किस चिंता में खोई हो? चिंता नहीं दुविधा, एक और आप चाहते हैं पिताश्री का मान रहे, दूसरी और पिताश्री की शत्रुता हमें कभी एक नहीं होने देगी। क्यों ना हम किसी को बिना बताए कहीं दूर चले जाएं और विवाह कर लें और सदा सदा के लिए एक हो जाएं। प्रेम में कोई वचन नहीं होता सती, परंतु हाँ, प्रेम में परीक्षा अवश्य होती है। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है कि उसके प्रेम में लिए निर्णय से किसी दूसरे का आहत ना हो। इस प्रकार बिना बताए विवाह करने से आपके पिता को, आपके परिवार को दुख नहीं होगा क्या? जिन्होंने आपको जन्मा है, आपका पालन करा है, इस संसार में जीवित रहने के लिए, रखने के लिए संघर्ष किया है, आपको लायक बनाया है, क्या उनका हृदय नहीं टूटेगा? एक अच्छे भविष्य के लिए, सुखी गृहस्थी के लिए अपने बड़ों का आशीष आवश्यक है। प्रेम का पौधा कठोर से कठोर सतह पर उग सकता है सती, परंतु जल के आशीर्वाद से वो संबंध, वो पौधा अवश्य फलता फूलता है। तो आप ही बताइए, पिताश्री को कैसे मनाएंगे? यही तो प्रेम की परीक्षा है, एक संबंध के लिए दूसरे संबंध का अपमान ना हो। अब आपको जाना चाहिए। परंतु आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। ये विरह क्षणिक है, परंतु जब अब हम मिलेंगे सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आपके बिना मेरे लिए हर एक पल युगों युगों की प्रतीक्षा के समान होगा। युगों युगों से तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं सती। ऐसा प्रीत का है बंधन जुड़ा, शिव भी शव है शक्ति भी, शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। ऐसा प्रेम दूर है जो टूट जा, है
महादेव। महादेव, नियमों के अनुसार समुद्र मंथन से अमृत तो उत्पन्न हुआ, परंतु अमृत असुर लेकर भाग गए। पर अब अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया है। महादेव, देव अमृत ना देवताओं को मिल रहा है ना असुरों को, वो तो छलक कर पृथ्वी पर गिर रहा है। ऐसे में सारा अमृत छलक कर पृथ्वी पर गिरकर व्यर्थ हो जाएगा। महादेव, देव ऋषि, समुद्र धरा से घिरा है तो समुद्र से निकले इस अमृत में धरा भी भागीदार है। इस अमृत पर सबसे पहला अधिकार पृथ्वी का ही तो था। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु वनस्पतियों का था, ताकि अमृत के प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन निरंतर चलता रहे। जिन जिन स्थानों पर अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें गिरी हैं, वो स्थान युगो युगों तक पवित्र रहेगा। लोग पवित्रता की खोज में वहां जाएंगे और ये स्थान तीर्थ स्थान कहलाएंगे। वहां अमृत महोत्सव होगा। अमृत कलश के स्मरण में वो महोत्सव कुंभ के नाम से जाना जाएगा। कुंभ के नाम से जाना जाएगा। कुंभ के नाम से जाना जाएगा। कुंभ किंतु महादेव, यदि असुर सारा अमृत पी लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे।
फिर ना ही मानव बचेगा और ना ही पृथ्वी पर जीवन, वो सबको मार देंगे। आप ही बताइए प्रभु, कैसे चलेगा ये जीवन चक्र? सृष्टि के पालन करता आप हैं, अमृत बांटने का कर्तव्य भी मैंने आप ही को सौंपा था। जाइए मोहन। अपना कर्तव्य निभाइए, जो योग्य है उसे वो प्राप्त हो ये सुनिश्चित कीजिए। जाइए मोहन। मंथन के बाद इस शरीर में यदि थोड़े से भी प्राण बचे तो आपका ये भक्त सीधा आपके पास आके आपके गले से लिपट जाएगा। उन घावों को आपके स्पर्श का जो सुख मिलेगा उससे मुझे वंचित न कीजिए। सुंदरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम समुद्र मंथन से निकला हुआ कोई अमूल्य रत्न हो? यदि ऐसा है तो तुम पर हम असुरों का अधिकार होना चाहिए। चलो हमारे साथ चलो और ये अमृत हमें दे दो। बलशाली होने के साथ साथ बड़े चतुर भी हो, अमृत भी चाहिए और मैं भी। अमृत तो हम ले ही लेंगे, पर तुम अपना नाम तो बता दो सुंदरी। मोहिनी, 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 मोहिनी। वैसे आप सबको बता दूं कि मेरा उद्भव ही अमृत वितरण के लिए हुआ है और मैं इसका वितरण आप सभी लोगों में समान रूप से करूंगी। तो नियम ये है कि चुनना तुम्हें है मुझे कौन रखना चाहेगा, असुर या देव, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। हम चाहते हैं कि तुम दैत्यराज बलि के साथ पाताल लोक के सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए हमें तुम्हारा प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकार है। जाओ, शीघ्र अति शीघ्र यह अमृत देवताओं में वितरित करो और फिर शेष अमृत के साथ तुम भी सदा सदा के लिए हमारी हो जाओगी। इंद्रदेव, ये असुर तो पूर्ण रूप से सम्मोहित हो चुके हैं, कौन हो सकती है ये मोहिनी? वही तो मैं सोच रहा हूं चंद्रदेव, कौन है ये युवती जिसने सभी दानवों को इस प्रकार से सम्मोहित कर दिया? स्वयं दानवराज बलि भी इस पर इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि हम देवताओं को पहले अमृत देने के लिए तैयार हो गए। इतना सामर्थ्य किसी साधारण युवती में नहीं, केवल जगत पिता नारायण में ही हो सकता है। हो ना हो, ये नारायण की ही कोई लीला है।
पता नहीं क्यों जब मैंने महादेव को स्पर्श किया तो लगा ही नहीं ये स्पर्श पहली बार था। ऐसा लगा ये स्पर्श मैंने पहले भी कभी किया है, जाने क्यों। कैलाश, भुवन, सब जाना पहचाना लगा, जैसे मैं पहले वहां आ चुकी हूं। खरगोश महोते, इन हाथों ने शिव का स्पर्श किया है, अगली बार आपको उठाऊंगी भी और प्रेम भी करूंगी। अभी बस इसी पल को जीना चाहती हूं। क्षमा कीजिए, जो बल से भयभीत हो जाए वो प्रेम कैसा। मारे झुके हुए शीश तुम्हारी वीरता की गाथा बता रहे हैं। कहां है दक्षिणी? पुनः प्रश्न नहीं करूंगा मैं। प्रजापति, वो शिव थे। वहां शिव थे और तुम भाग खड़े हुए, अस्त्र डाल दिए, बंदी क्यों नहीं बनाया उसे? वो महादेव हैं, जिनके समक्ष पलाहल न खड़ा रह सका, जिनके समक्ष दैत्यों की पूर्ण सेना खड़ी न रह सकी, जिन्होंने एक पल में ब्रह्मदेव का शीश और आपका श्राप काट दिया। भला उनके समक्ष मैं बैरागी क्या जाने प्रेम क्या होता है, करुणा किसे कहते हैं, ममता का अर्थ क्या होता है। इतना बड़ा कपट किया उस अघोरी के लिए दक्षिणी ने दक्ष के साथ। असुरों में सबसे चतुर हो स्वर भानु, परंतु स्मरण रहे वो नारायण केवल देवताओं का हित ही सोचते हैं। देवताओं का लाभ हो इसके लिए वो मंथन में कोई छल भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। लेकर धनवंतरी मेरे सामने स्वयं निकले थे, और ये मोहिनी अचानक से प्रकट कैसे हो गई?
उस पर यहाँ नारायण भी नहीं है। अवश्य यही नारायण है जो हम सबके साथ छल कर रहे हैं। अजय बली हटो। स्वर भानु, मंथन की थकान के पश्चात इतनी रूप से स्त्री को देखने का सुअवसर मिला है, जी भर कर देख लेने दो। इस मोहिनी ने सबको मोहित कर दिया है, किंतु इसका छल मेरे सामने नहीं चलेगा। रुकिए मोहिनी, ये देव नहीं है। देवता के रूप में असुर है। असुर है। तुम्हारा छल काट दिया मैंने। भानु अमर हो गया। महादेव जैसे ईश्वर कहाँ मिलते हैं, जिन देव असुरों के हित के लिए नागराज वसुकी ने ये घाव खाए हैं, वही अमृत पाते ही इन्हें भूल गए। और महादेव विषपान करने के बाद भी अपने सेवक की पीड़ा का अनुभव करके उसे औषधि का लेप लगा रहे। धन्य हो प्रभु, धन्य है आप। ऐसे है मेरे महादेव। धन्य हो प्रभु, धन्य है आप। गले में क्यों धारण किया है? तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो वासुकी, क्योंकि तुमने समुद्र मंथन में जो निस्वार्थ योगदान दिया है वो अतुलनीय है। वासुकी,
तुम्हें और मंदरांचल पर्वत को यह संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। तुम दोनों इस संपूर्ण संसार में पूजनीय होगे। जो स्वार्थ के पीछे भागते हैं वो शिव को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं। जो पुत्री चार दिन के आकर्षण के लिए वर्षों से मिले माता पिता के निस्वार्थ प्रेम को भुला दे, जिन्होंने जीवन का हर पल दिया, उनके साथ छल करे, जिनसे जीवन मिला उन्हें छोड़ शत्रु के साथ जा मिले, ऐसे में उस पिता को पुत्री का विवाह अविलंब कर देना चाहिए। कल तुम्हारा स्वयंवर होगा और जो सर्वोत्तम होगा उससे तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। वर्ष का वो महीना जो सबसे अधिक पावन माना जाता है, परंतु वर्ष में और भी तो माह हैं जिनके अपने अपने महत्व हैं, तो फिर श्रावण माह ही सबसे अधिक प्रिय क्यों? क्योंकि हर माह कुछ ना कुछ लेकर जाता है। गर्मी का माह हमारा संतोष, धरती से नमी लेकर चला जाता है। शीत ऋतु ऊर्जा ले जाता है और श्रावण अपना सब कुछ देकर जाता है। प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए मीठा जल देता है, ताप से जले हमारे तन हमारे मन को शीतलता देता है, यहां तक कि निर्जीव पर्वतों को हरियाली की चादर ओढ़ा जाता है। इस धरती पर श्रावण माह अपना सब कुछ त्याग कर देता है, इसलिए तो प्रेम पाता है। तो यदि आप सब प्रेम पाना चाहते हैं तो त्याग करना सीखें, कुछ देना सीखें। श्रावण माह की भांति इस धरती के ताप से लड़के परीक्षा दोगे तब सभी आपके वापस लौट कर आने की प्रतीक्षा करेंगे।